जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश खेदावी और मैं आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू हैप्पी क्रिसमस आपको और आपके फैमिली के लिए। और यीशु मसीह इस क्रिसमस में आपको और आपके फैमिली को आशीषित करेगा। और गिनती 6:26 में जो आशीष दी गई है, सब आशीष आपको और आपके परिवार को मिले। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। 2020 आपके लिए एक यीशु मसीह की कृपा से आपके लिए एक सफल साल होगा, एक स्वस्थ साल होगा और एक सुखी साल होगा। हम जाएंगे लूका 10 में। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहां पे क्या लिखा है कि सबके लिए सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज। तो ये जो सुसमाचार जो है वो सिर्फ मसीह लोग के लिए या तो यहूदी लोगों के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है, सब जाति के लोगों के लिए है, सब देश के लोगों के लिए है, सब प्रांतों के लोगों के लिए है, सब भाषा बोलने वाले लोगों के लिए है। और यहां पे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता का मतलब क्या? उद्धारकर्ता का मतलब है कि हमें बचाने वाला। तो यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए, हमें शापों से बचाने के लिए, हमको सब बीमारियों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए थे। और ये एक सुसमाचार है, ये एक गुड न्यूज है, और जिससे कि हमें एक बड़ा आनंद मिला है। मगर आप कहेंगे कि मुझे उद्धारता की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबको उद्धारता की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ पे पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि सबने पाप किया है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। सबने पाप किया है। आप कहेंगे कि मैं बड़ा पापी नहीं हूं, मैं तो छोटा पापी हूं, मैंने तो मर्डर नहीं किया, मैंने तो खून नहीं किया, मैंने तो व्यभिचार नहीं किया। मगर यीशु मसीह कहता है कि यदि आप किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं तो आप एक हत्यारे बन जाते हैं, आप एक मर्डरर बन जाते हैं, और यदि आप किसी स्त्री को बुरी नजर से आप देखते हैं तो आप एक व्यभिचारी बन जाते हैं। तो इसके अनुसार हम सब ने पाप किया है और कोई भी बिना पाप का नहीं है। हम जाएंगे वो भी 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मृत्यु का मतलब यहां पे क्या है? नरक। अनंत काल में नरक में जलना, आग में तड़पना। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। और यदि आपकी अगर यीशु मसीह के आप विश्वास नहीं करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो है अनंत काल में नरक में जलना। आइए हम तीसरे वचन में जाएंगे, योना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम नरक में जाए, वो नहीं चाहते कि हमारा नाश हो, तो इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमको अनंत जीवन मिले। और इसके लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह ने जो महान काम किए क्रूस के ऊपर, उससे हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। जो अतीत के पाप जो हमने किए, जो वर्तमान के जो पाप हमने किए, जो भविष्यकाल के जो पाप है, वो सब पापों की क्षमा हो गई है। सब शापों से हमें मुक्ति, हमें आज़ादी मिली है, और सब रोगों से हमें आज़ादी मिली है। और इसलिए
ये हमारे लिए यीशु मसीह आए हैं, ये हमारे लिए एक सुसमाचार है और ये सब के लिए है और इससे सबको एक बड़ा आनंद मिल। हम जाएंगे यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र देख दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर हो गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, अद्भुत। अद्भुत इंग्लिश बाइबल में इस शब्द को कहा जाता है वंडरफुल और हिब्रू में इस शब्द को कहा जाता है मिराकल। तो यीशु मसीह इस धरती पे, हम जैसे धरती पे आते वैसे यीशु मसीह नहीं आए थे, यीशु मसीह चमत्कार से इस धरती पे आए थे। यहां पे क्या लिखा है, पराक्रमी परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। अनंत काल का पिता का मतलब क्या होता, आइए हम जाएंगे यूहन्ना 1:3 में, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ पे क्या लिखा है कि सब कुछ जो भी आज हम देखते हैं, ये चांद, ये तावे, ये झाड़, ये पहाड़, ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यीशु मसीह पहले से ही थे, मगर हमको बचाने के लिए यीशु मसीह मानव बन के इस धरती पे आ गए और इसलिए यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अनंत काल का पिता है और वो शांति का राजकुमार है। तो यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो उसके ऊपर विश्वास करो तो वो आपको शांति देगा, वो आपको एक महान शांति देगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। जैसी ये दुनिया देती है वैसी शांति नहीं है, ये शांति होती है परमेश्वर से और वो शांति कभी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो मगर वो शांति हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। और इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस हम मनाते हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह क्रिसमस का मुख्य आकर्षण है, मगर दुख की बात है कि आज हम यीशु मसीह से हम सांता क्लॉस को ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं, हम ज़्यादा महत्व क्रिसमस ट्री को दे रहे हैं। और कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि सांता क्लॉस के ऊपर आप विश्वास रखना चाहिए या तो क्रिसमस ट्री आपके घर में होना चाहिए। तो ये बातें कहाँ से आई ये आपको मालूम होना चाहिए, तो उसका आप अध्ययन करना चाहते हैं कि ये सब जो चीज़ें जो क्रिसमस में आई है जो पवित्र शास्त्र में नहीं है वो कहाँ से आई है। मगर इससे हुआ क्या है कि जो दुनिया के लोग हैं उनको लगता है कि क्रिसमस यानी सांता क्लॉस, उनको लगता है कि क्रिसमस से सांता क्लॉस पैदा हुए थे। तो हम जो सही जो मैसेज जाना चाहिए दुनिया के लोगों को, वो मैसेज दुनिया के लोगों को नहीं जा रहा है। इसलिए हम यीशु मसीह को हम क्रिसमस में ऊपर उठाना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए। आइए हम जाएंगे यशायाह 9:6 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या लिखा है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, प्रभु ही हमें चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो यह भविष्यवाणी की गई थी नबी यशायाह ने और ये बहुत सालों पहले यीशु मसीह इस धरती पे आने से बहुत सालों पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और उसको पुत्र होगा और उसका नाम रहेगा इमैनुएल। आइए हम जाएंगे मत्तै 1:23 में और ये भविष्यवाणी जो की गई थी हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। और इसलिए मत्ते यहाँ पे लिखते हैं कि देखो एक कुआवी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। तो इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यीशु मसीह आने के पश्चात ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में कैसा बदलाव होगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो गरीबी हमारे जीवन में नहीं रह सकती, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो बीमारी
हमारे अंदर नहीं रह सकती। और यदि आप एक स्टूडेंट है तो आप फेल नहीं हो सकेंगे और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकेंगे। यदि आप काम करने वाले व्यक्ति है तो आप कोई भी आपको काम से निकाल नहीं सकेगा, बल्कि वो आपको एक बहुत बढ़िया प्रमोशन देगा। यदि आप काम की तलाश में है तो आपको एक बहुत बढ़िया काम मिलेगा। और परमेश्वर हमारे साथ का मतलब यही है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। और ऐसे ही यूसुफ के जीवन में हुआ। आइए हम जाएंगे उत्पत्ति 39:1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोटीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हकीम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूसुफ के भाइयों ने धोखा देकर, क्योंकि यूसुफ के भाई यूसुफ के ऊपर जलते थे, क्योंकि यूसुफ के जो पिता है याकूब वो यूसुफ से बहुत प्यार करते थे, अपने सब बेटों से यूसुफ से बहुत प्यार करते थे, और इसलिए उनके भाई जो थे वो सब भाई उनसे जलते थे और ये भाई यूसुफ को मार देना चाहते थे। मगर उन्होंने सोचा कि मार देने से हमारा क्या फायदा होगा, यदि हम यूसुफ को बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों को बेच दिया और इश्माइलियों ने एक मिस्त्री को बेच दिया जिसका नाम था पोटीफर, और पोटीफर ने यूसुफ को मिस्र में वो लेके गया क्योंकि वो वहां से था। अभी जब यूसुफ वहां पे गया तो यूसुफ के पास कुछ नहीं था, उसके शरीर में वस्त्र भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ सेविंग अकाउंट नहीं था, कुछ बैंक बैलेंस नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे, उसका कोई फैमिली नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, वो अकेला था, कुछ नहीं था, कंगाल था, कपड़े भी नहीं थे उसके पास। मगर यहां पे देखो क्या हुआ, वचन 2 में लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। तो यहां पे क्या लिखा है कि यहोवा उसके साथ था और वो एक भाग्यवान पुरुष बन गया, वो एक कामयाब पुरुष बन गया। तो यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, यदि आपके पास परमेश्वर है तो आप एक कामयाब इंसान या तो कामयाब स्त्री, आप एक भाग्यवान पुरुष या तो आप भाग्यवान स्त्री बन सकते हैं, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, कुछ भी नहीं था उसके पास, मगर यहोवा उसके साथ था और वो भाग्यवान पुरुष बन गया। हम जाएंगे उत्पत्ति 41:41। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराव देता हूं। तो यूसुफ जो मिस्र देश में आए थे गुलाम बन के, जिसके पास कुछ नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था उसके पास, मगर वो उस देश का एक गवर्नर बन गया, एक अधिकारी बन गया, वो सारे देश के ऊपर अधिकारी बन गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, जो गुलाम था मगर अभी वो एक गवर्नर, एक अधिकारी बन गया। कुछ लीडर्स मीटिंग में, कुछ पास्टर्स मीटिंग में ऐसा प्रचार करते हैं कि यूसुफ के पास बहुत टैलेंट था, यूसुफ बहुत मेहनत करता था, यूसुफ के पास प्लानिंग था, और इसलिए वो एक सबका ऊपर अधिकारी बन गया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर पवित्र शास्त्र कहता है कि यहोवा उसके साथ था और इसलिए वो भाग्यवान इंसान बना, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष बना, इसलिए वो कामयाब पुरुष बना। अपने टैलेंट से नहीं, अपने मेहनत से नहीं,
एक ही कारण था कि यहोवा उसके साथ था। और यही एक क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। तो यदि यीशु मसीह आपके साथ है तो बीमारी आपके अंदर नहीं रह सकती, गरीबी आपके अंदर नहीं रह सकती, दुख आपके अंदर नहीं रह सकते। जब यीशु मसीह आपके साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। जब यीशु मसीह आपके साथ है तो आपका जीवन एक कामयाब जीवन बनेगा। आप एक कामयाब पुरुष या स्त्री आप बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको वो बना देगा। और यही है क्रिसमस का संदेश। यीशु मसीह हमारे लिए धरती पे आ गए हमको बचाने के लिए, हमको पापों से बचाने के लिए, हमको शापों से बचाने के लिए, हमको बीमारी से बचाने के लिए यीशु मसीह धरती पे आ गए। और यीशु मसीह ने जो महान काम किया क्रूस के ऊपर, उससे हम हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, हमारे सब जो बीमारियां वो सब निकल जाती है। और इसलिए यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते तो अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, कि जब आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ा आनंद आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि क्रिसमस का जो संदेश है वो संदेश वो सब लोगों के लिए है। और इसलिए आप इस संदेश को स्वीकार करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, धन्यवाद देते हैं कि ये क्रिसमस दिन के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ये संदेश देख रहा है उनके लिए सब ये क्रिसमस सबसे बढ़िया हो, उनको आशीष कर देना और उनके जीवन को एक कामयाब जीवन बना देना। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।